Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the fifth chapter from your book Dear to All the Muses, and the name of the chapter is A Tiny Sanctuary, written by Jean Paul Sartre. तो सबसे पहले हम थोड़ा सा राइटर के बारे में जान लेते हैं. जो जीन पॉल सार्ट्र थे वो 1905 में पेरिस में पैदा हुए थे और एक फ्रांसीसी दार्शनिक, नाटककार, उपन्यास, पटकथा लेखक, राजनीतिक कार्यकर्ता, जीवनी लेखक और साहित्यिक आलोचक थे. वह 20वीं शताब्दी के फ्रांसीसी दर्शन और मार्क्सवाद में अग्रणी व्यक्तियों में से एक थे और अप्रैल 1980 में पेरिस में उनका निधन हो गया था. उन्होंने अक्टूबर 1964 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया और उन्होंने प्रेस को बताया कि उन्होंने नोबेल पुरस्कार को इस डर से खारिज कर दिया कि यह उनके लेखन के प्रभाव को सीमित कर देगा. तो चलिए करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन. आई बिगेन माई लाइफ एज आई शैल नो डाउट एंड इट अमंग बुक्स. राइटर कहते हैं कि मैंने अपना जो जीवन था वो पुस्तकों के बीच शुरू किया और कोई शक नहीं कि वह किताबों के बीच ही ख़त्म हो जाएगा. इन माई ग्रैंड फादर्स स्टडी देवर एवरीवेयर. मेरे दादाजी के स्टडी में वो सब जगह थी. इट वॉज फॉरबिडन टू टच देम एक्सेप्ट वंस अ ईयर बिफोर द अक्टूबर टर्म. और अक्टूबर से पहले जो उसको साफ किया जाता था और सिर्फ एक बार ही साफ़ किया जाता था. इससे ज़्यादा बार साफ करना फॉरबिडन था, यानी कि मनाही थी. इवन बिफोर आई कुड रीड आई ऑलरेडी रेवर दीज रेज्ड स्टोन्स अपराइटिंग और लीनिंग. कहते कि इससे पहले कि मैं पढ़ता, मैं अक्सर देखता था कि जैसे स्टोन्स खड़े होते हैं और उसके ऊपर एक स्टोन जो होता है वो पड़ा होता है, ठीक है, उसी तरह से कहते कि जो बुक्स थी वो अलमारी में इस तरह से पड़ी हुई थी कि खड़ी हुई रखी हुई थी. आई फेल्ट दैट आर फैमिली प्रॉस्पेरिटी डिपेंड ऑन देम. और कहते कि मुझे लगता है कि जो मेरी फैमिली की प्रॉस्पेरिटी है, जो समृद्धि है, वो इन्हीं बुक्स के ऊपर ही आधारित है. देवर ऑल अलाइक, वो सब एक जैसी थी. एंड आई वॉज रॉम्पिंग अबाउट इन अ टाइनी सेंचुरी. और मैं उस जो छोटी सी टाइनी सेंचुरी थी उसमें घूमता था. Surrounded by squat ancient monuments which had witnessed my birth. और कहते कि यह पुराने स्मारकों की तरह था जो मेरे जन्म के गवाह थे, ठीक है, यानी कि उनका बर्थ भी जो था उनके दादाजी के घर में हुआ था. एंड विच वुड विटनेस माई डेथ. और कहते यहीं पर मेरी मौत भी होगी और इसकी ये गवाह होंगी. एंड हुज प्रेमिनेंस गारंटेड मी अ फ्यूचर एज अ काम एज माई पास्ट. और कहते कि जिसका स्थायित्व मेरे भविष्य को उतना ही शांत रखेगा जितना कि मेरे पास्ट को रखा है, मेरे भूतकाल को रखा है. आई यूज टू टच दैम इन सीक्रेट टू ऑनर माई हैंड्स विथ देयर डस्ट. कहते कि मैं जब उन्हें छूता था तो मुझे लगता था कि ये मेरा भाग्य है कि मैं उन्हें छू रहा हूँ. और उनकी मिट्टी को जब छूता था तो लगता था कि यस, मैं किस्मत वाला हूँ. बट आई डिड नॉट हैव मच आइडिया व्हाट टू डू विद देम. लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि उन बुक्स के साथ क्या करना है. राइटर इतने छोटे थे कि उनको पता ही नहीं था कि बुक्स को के साथ क्या किया जाता है. एंड ईच डे आई वॉज प्रेजेंट एट सेरेमनीज हुज मीनिंग एस्केप्ड मी. और कहते कि मैं हमेशा ही कहते प्रत्येक दिन जो था वो समारोह में शामिल होते थे जिनके अर्थ से वो बच जाते थे. यानी कि वो उस टाइनी सेंचुरी में जाते तो थे लेकिन उनको ये पता ही नहीं था कि इन बुक्स के साथ क्या करना है. और इस तरह से वो उस समारोह में शामिल होने से बच जाते थे. माय ग्रैंड फादर सो क्लम्सी normally that my grandmother buttoned his gloves for him, handled these cultural objects with the dexterity of an officiating priest.
और कहते मेरे दादाजी तो इतने अनाड़ी और असाधारण थे कि मेरी दादी जी उनके दस्तानों को बटन लगाती थी और वह इन सांस्कृतिक वस्तुओं को हैंडल करती थी। सैकड़ों बार मैंने उसे एब्सेंट माइंडेड उठते हुए भी देखा था। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ टाइम आई सॉ हिम गेट अप एब्सेंट माइंडेडली वॉक राउंड द टेबल क्रॉस द रूम, और कहते वो टेबल के पास से होते हुए क्रॉस कर जाते थे रूम को, इन टू स्ट्राइड्स अनहेजिटेटिंगली पिक आउट अ वॉल्यूम विदाउट अलाउइंग हिमसेल्फ टाइम फॉर चॉइस। और कहते कि फिर वो उन बुक्स के पास जाते थे और वहाँ से एक वॉल्यूम बुक का उठा लेते थे। आपको पता होगा कि जो बुक्स होती हैं बच्चे उनके वॉल्यूम्स होते हैं, जैसे वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। तो दादाजी बिना किसी चॉइस के किसी भी बुक को, किसी भी वॉल्यूम को उठाते थे, गो थ्रू इट, इसको पढ़ते थे एज ही वेंट बैक टू हिज आर्म चेयर, जैसे ही वो अपनी आर्म चेयर पर बैठते थे। विद अ कंबाइंड मोमेंट ऑफ हिज थंब एंड राइट फोर फिंगर एंड ऑलमोस्ट बिफोर ही सेट डाउन ओपन इट विद अ फ्लिक एट द राइट पेज मेकिंग इट क्रीक लाइक अ शू। और कहते कि वो जब उस वॉल्यूम को उठाते थे तो कहते कि वो अपने आ, आ, जो आर्म चेयर थी उनके पास जाते थे, लेकिन बैठने से पहले वो क्या करते थे, अपनी जो फोर फिंगर थे और थंब था उसकी हेल्प से पन्नों को पलटते थे और फिर क्या करते थे, बैठ के उस बुक को पढ़ते थे। आई समटाइम्स गॉट क्लोज इनफ टू ऑब्जर्व दीज बॉक्सेस, और कहते कि मैं कई बार ना उनके पास बैठ जाता था, इन बक्सों को नज़दीक से देखता था। विच ओपन लाइक ऑयस्टर्स, जो कि सीपियों की तरह खुलते थे। आई डिस्कवर द नेकनेस ऑफ देयर इंटरनल ऑर्गन्स, और कहते उनके अंदर ले जो ऑर्गन्स थे मैंने उनको देखा था ध्यान से। पेल डार्क, वो पीले थे, गहरे रंग के थे, स्लाइटली ब्लिस्टर्ड पेजेस, और कहते कि ये ऐसे पेजेस थे जो काफ़ी ऐसे लगता था जैसे इन पे फफोले हो गए हों। कवर्ड विद स्मॉल ब्लैक वेन्स विच ड्रैंक इंक, और कहते कि ऐसे लगता था कि जैसे इनको छोटी छोटी काले नाड़ियों के द्वारा जो ढका गया है, जो क्या पीती थी, इंक पीती थी, एंड स्मेल्ट ऑफ मेल्ड्यू। और कहते कि जिन पर फंगस और फंगोदी लगे हुए थे। इन माई ग्रैंड मदर्स रूम, मेरी दादी जी के कमरे में, द बुक्स वर लाइंग डाउन, बुक्स जो थी वो पड़ी रहती थी। शी यूज टू बोरो दैम अ लैंडिंग लाइब्रेरी, वो उन्हें एक उधार के जो लाइब्रेरी थी वहाँ से लेके आते थे, एंड आई नेवर लाइब्रेरी से उधार लेके आते थे, एंड आई नेवर सा मोर दैम टू एट ए टाइम, और मैंने कभी नहीं देखा कि दो से ज़्यादा जो किताबें थी उनके पास होती थी। दिस ट्रैशी बॉक्स रिमाइंडेड मी ऑफ न्यू ईयर स्वीटनेस स्वीटमीट्स बिकॉज देयर शाइनी फ्लेक्सिबल कवर्स सीम टू बी कट आउट ऑफ ग्लेज्ड पेपर। ट्रैशी वर्क होता है, पुअर क्वालिटी जो होती है काम की। ठीक है, नहीं मुझे कहते नए साल के जो स्वीट मीट्स थी, स्वीट मीट्स होता है बच्चे कोई भी आइटम जो कन्फेक्शनरी की होती है या स्वीट फूड होता है, कहते उसकी याद दिला दी, क्योंकि उनके चमकीले लचकीले कवर ऐसे प्रतीत होते थे जैसे कि ग्लेज पेपर के बने हों। ब्राइट वो क्या थे, चमकदार थे, वाइट स्वेद थे, ऑलमोस्ट न्यू, बिल्कुल नए थे। दे सर्व्ड एज एन एक्सक्यूज फॉर प्रिटी मिस्ट्रीज, और वो नए और क्षुद्र रहस्यों के रूप में जो थे सेवा करते थे। ठीक है, ईच फ्राइडे माई ग्रैंड मदर वुड गेट ड्रेस्ड टू गो आउट एंड से, हर फ्राइडे जो था प्रत्येक शुक्रवार को मेरी दादी जी बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती थी। और कहती थी आई एम गोइंग टू टेक दैम बैक, कि मैं उन्हें वापस लेने जा रही हूँ, उन्हें किसी बुक्स को। वैन शी रिटर्न, जब वो लौटती थी, एंड शी हैड टेकन ऑफ हर ब्लैक हैड, और जब वो अपना ब्लैक हैड जो थी उतार देती थी, एंड हर वेल, और जो अपना चेहरा जिस चीज़ से ढका होता था उसको उसको अपने चेहरे से परे कर लेती थी। शी वुड टेक दैम आउट इफ द मफ एंड आई वुड वंडर मिस्टिफाइड, आर दे द सेम वंस
मफ का मतलब होता है टू हैंडल अकवर्डली, ठीक है। और वह उन्हें और जो था बड़ा अकवर्डली हैंडल करती थी। और कहते कि मुझे आश्चर्य होता था कि किसी को उलझन कि क्या ये वही बुक्स हैं, वो इसी उलझन में रहते थे कि क्या ये वही बुक्स हैं जो दादी जी वापस फिर से लेके आई हैं। शी चूज टू कवर देम केयरफुली एंड देन हैविंग चोजन वन, वो उनको बड़े ध्यान से कवर करती थी और फिर उनमें से किसी एक को चुन लेती थी। शी वुड सेटल हर सेल्फ बाय द विंडो, और वो जो थी खिड़की के पास बैठ जाती थी। इन हर विंग्ड आर्म चेयर, अपनी विंग्ड जो थी आर्म चेयर पर, विंग्ड होता है पंखों वाली, बट ऑन हर स्पेक्टिकल्स, पुट ऑन हर स्पेक्टिकल्स साई विद प्लेजर, वो अपने स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मा पहनती थी और फिर खुशी से आह लेती थी। एंड वेरीनेस, और थकी भी होती थी। एंड लोअर हर आईलिड्स, वो अपनी जो पलके थी उनको झुकाती थी। विद अ डेलिकेटली वॉल्पुटस स्माइल, और वो बड़े अच्छी जो थी वो स्माइल देती थी, बड़े ही आकर्षक स्माइल देती थी। वॉल्पुटस मीन्स के आकर्षक स्माइल, विच आई हैव सिंस डिस्कवर्ड ऑन द लिप्स ऑफ मोनालिजा, जिससे कि कहते कि मैंने मोनालिजा के लिप्स पर देखा था। माई मदर वुड फॉल साइलेंट, मेरी माता जी जो थी वो बिल्कुल चुप रहती थी। इन्वाइटिंग मी टू कीप क्वाइट, और मुझे कहती थी कि बिल्कुल चुपचाप बैठो। एंड आई वुड थिंक अबाउट मास, और मैं मास के बारे में सोचता, डेथ और स्लीप, और मृत्यु और जो थी नींद के बारे में सोचता था। आई इन्वेस्टेड माई सेल्फ विद अ होली साइलेंस, मैंने खुद को एक होली साइलेंस, जैसे होता है ना कि मेडिटेशन के वक्त हम बिल्कुल चुप कर जाते हैं, कहते उस चुप्पी में रखा हुआ था। फ्रॉम टाइम टू टाइम लुइस वुड गिव अ चकल, और कहते चकल मीन्स होता है फुसफुसाहट करना, मतलब अंदर ही अंदर हंसना, ठीक है। और कहते जो लुइस था वो अंदर ही अंदर हंसता। शी वुड कॉल टू हर डॉटर, वह अपने बेटी को बुलाता। पॉइंट एट अ लाइन, एक रेखा पर बुलाता। एंड द टू वीमेन वुड एक्सचेंज अ कॉन्स्पिरेशनल लुक, और वो जो दो औरतें थी वो एक दूसरे की तरफ बड़े रहस्यमय तरीके से देखती थी। येट आई डिड नॉट केयर फॉर दिस ओवर, लेकिन मेरा इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं होता था। एलिगेंट वॉक्स, दे वर इंट्रूडर्स, एंड माई ग्रैंड फादर डिड नॉट हाइड द फैक्ट दैट दे वर पार्ट ऑफ एक्सक्लूसिवली फेमिनिन इन्फीरियर कल्ट। और एलिगेंट वर्क मीन्स होता है कि बहुत ही सुरुचिपूर्ण, ठीक है। कहते कि उनके एलिगेंट वर्क पर ध्यान नहीं देते थे। और इंट्रूडर्स होता है कि किसी प्लेस पे बिना जो था किसी की परमिशन के घुस जाना। और कहते कि मेरी दादी जी ने इस फैक्ट जो था को नहीं छिपाया था कि वे एक्सक्लूसिव थी और विशेष रूप से स्त्री ही इन पद का हिस्सा थी। ऑन संडे ही वुड गो फॉर वांट ऑफ एनीथिंग बेटर टू डू, और संडे को वह अपनी दादी जी के कमरे में कुछ भी बेहतर करने के लिए जाना चाहता था। इनटू माई ग्रैंड मदर्स रूम एंड वुड प्लांट हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ हर विदाउट फाइंडिंग एनीथिंग टू से। एवरीवन वुड लुक एट हिम, ही वुड ड्रम ऑन द विंडो पेन, एंड देन वॉइड ऑफ आइडियाज ही वुड टर्न बैक टू लोइस एंड स्नैच हर बुक अवे फ्रॉम हर। और फिर वो क्या करते थे, उनके सामने खड़े हो जाते थे, बिना कुछ कहे सब उनकी तरफ देखेंगे, और वह खिड़की से को थपथपाएगा, फिर विचारों से शून्य होकर लुइस के पास वापस आएगा और उसकी किताब को उसे छीन लेना। स्नैच करना मीन्स छीन लेना। चार्ल्स, शी वुड क्राई आउट एंग्रीली, और वो गुस्से से कहती कि चार्ल्स यू विल लूज माई पेज, तुम मेरा पेज खो दोगे, यानी कि जो पेज उन्होंने खोला होता था जो वो स्नैच करता था, तो उसको लगता था कि अब वो पेज जो है गुम हो जाएगा। आईब्रोज रेज्ड, अपनी भौहें जो थी उनको उभार लेती थी। ही वुड ऑलरेडी बी रीडिंग, वो हमेशा पढ़ती रहती थी। सडनली हिज फोर फिंगर वुड रैप द बुक,
और अचानक ही उनके जो तर्जनी उंगली थी उसने बुक को जो था वो रैप कर दिया। डोंट अंडरस्टैंड, क्या तुम्हें समझ नहीं आता, बट वाई डू यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, पर तुम क्यों समझना चाहोगे। माई ग्रैंड मदर वुड से, मेरी दादी जी कहती, यू रीड बिटवीन द लाइन, तुम लाइनों के बीच में पढ़ो। इन द एंड ही वुड फ्लिंग द बुक डाउन ऑन द टेबल, गो आउट शकलिंग हिज शोल्डर्स। और फिर बाद में वो क्या करती थी कि वो ये कहती थी कि लाइनों के बीच में पढ़ते हैं, अंत में वह पुस्तक को नीचे गिराते हैं और अपने कंधों को सिकोड़ते हुए निकल जाते हैं। ठीक है, अ यंग टर्किश कैटास्ट्रोफ बाय साकी, अ मोस्ट फॉरगिविंग ए बाय एलन मोरहेड। ये दो बुक्स थी जो वो अपने जो पढ़ा करती थी। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा लेसन। वीडियो आपने एंड तक देखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ, नए लेसन की एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।